आज का वीडियो में हम लोग रिपेयरिंग करेंगे जो 200 एम्पीयर का सिंगल कार्ट वेल्डिंग मशीन है उसका ड्राइवर सेक्शन। ड्राइवर सेक्शन सही तरह से रिपेयरिंग ना होने की वजह से क्या होता है, बार बार आईजीबीटी ब्लास्ट हो जाता है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे 30-19 का जो ड्राइवर सेक्शन है उसका कैसे सही तरह से रिपेयरिंग करते हैं, फुल वीडियो में हम लोग देख लेंगे इसका सर्किट डायग्राम के साथ। तो चलिए वीडियो ये है 30-19 का ड्राइवर सेक्शन का पूरा सर्किट। इसमें देखिए ये ड्राइवर ट्रांसफॉर्म है, ये है आईजीबीटी 1, आईजीबीटी 2, आईजीबीटी 3, आईजीबीटी 4। देखिए ये गेट, ये ड्रेन, ये सोर्स ऐसे लिखा है। देखिए इसमें लिखा है ये गेट, ये ड्रेन, ये सोर्स। इसका ये है गेट, ये ड्रेन है, ये सोर्स है, ये गेट है, ये ड्रेन है, ये सोर्स है। देखिए सर्किट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखिए पहले क्या किया, ये जो एक नंबर वाला कॉयल है, ये दो नंबर वाला कॉयल है, जो एक नंबर वाला कॉयल है उसका वन साइड चला जाता है सीधा। वो क्या हुआ, देखिए ये सोर्स में चला गया। और देखिए इधर से एक वायर लेके क्या हुआ, इसका सोर्स में भी दे दिया, तो क्या है वन साइड चला गया इस दोनों आईजीबीटी का सोर्स में। और एक तो रेजिस्टेंस दिया है, ठीक है, उसका सीरीज में दिया है एक तो C40 24 वोल्ट का जो जीना डायोड है इसमें दिया है। इसमें देखे इधर से इस लाइन में फेंक दिया जो कॉइल का दूसरी पार्ट है, इसमें फेंक दिया। इस तरह से क्या किया, देखिए 4.7 mm की जो कंडेंसर लगा हुआ है जो 50 वोल्ट का, इसमें ऐसे लगा हुआ है। एक तो LED है, ये LED लगा के इसमें बायसिंग कर दिया, तो ये बायसिंग हो गया। इसमें देखिए दो IGBT अलग अलग तरह से गेट वोल्टेज देने के लिए क्या किया, इसमें क्या है 4.7 ohms का रेजिस्टेंस दिया पहले, उसके बाद दिया 10 ohms का रेजिस्टेंस, देखिए सीधा चला गया गेट पे। इसमें देखिए यहाँ से ले लिया, यहाँ से 10 ओम रेजिस्टेंस लेकर इस IGBT का गेट में दे दिया। क्या देखिए इसका सोर्स में लाइन हो गया, गेट में भी लाइन हो गया, तो ये सर्किट ऐसे कंप्लीट किया। इसमें यहाँ देखिए यहाँ एक टू पीएम है, यहाँ एक टू पीएम है, ये पीएम है 472 बॉक्स पीएम है, इसका 63 वोल्ट देने से चलेगा, 100 वोल्ट देने से भी चलेगा। इसमें क्या देखिए ज़्यादातर दे दिया सोर्स से गेट तक। देखिए ये कैसे काम करता है, देखिए यह सोर्स ड्रेन गेट, सोर्स ड्रेन गेट, ये सोर्स ड्रेन गेट, ये सोर्स ड्रेन गेट, ऐसे चलता है IGBT। एक्चुअली क्या है एन चैनल है, ये तो एन चैनल का IGBT है, तो इसमें क्या होगा इसका सोर्स में नेगेटिव देना पड़ता है और क्या होता है ड्रेन में पॉजिटिव देना पड़ता है। देखिए इसमें पॉजिटिव हम लोग दे दिया, ये पॉजिटिव सप्लाई कैसे जा रहा है, देखिए पहले हम लोग गेट में जब सप्लाई चलाएगा तो सोर्स और ड्रेन शॉर्ट हो जाएगा, इसमें से करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होने से क्या होगा, देखिए इसमें से चला जाएगा सीधा इधर से चला जाएगा इसका ड्रेन में, इसका सोर्स होके ये न्यूट्रल। जब करंट फ्लो होगा तो उल्टा साइड से होगा, पहले ये इलेक्ट्रॉन आएगा, ये इसका सोर्स में, सोर्स से ड्रेन चला जाएगा, ड्रेन से इधर चला आया इस IGBT का सोर्स में, सोर्स से ड्रेन, ऐसे चलता है, ऐसे चलेगा तो इसका अंदर ये फ्रीक्वेंसी जनरेट होगा इधर। तो यहाँ से हम लोग आउटपुट ले लिया, क्या होगा ये ड्राइवर सेक्शन जो आउटपुट सेक्शन है ट्रांसफॉर्मर में चला जाता है, उसके पास जो डायोड है वैसे से निकल जाता है। और एक तो लेता है कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव में 475 kA दे दिया, 475 kA 400 वोल्ट का जो पीएफ हम लोग देता है, एक तो दो इसका बीच में से एक तो लाइन देता है। इसमें देखिए इसमें क्या होगा, ये ट्रांसफॉर्मर चला गया, इसमें से ऐसे डायोड देखे ऐसे आउटपुट हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे आउटपुट हो जाता और इसमें से ये न्यूट्रल लेता है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव आउटपुट हो गया। ऐसे में हम लोग अभी प्रैक्टिकल में देख लेगा कि कैसे रिपेयरिंग करते हैं। देखिए इस सर्किट में पूरा इस पीसीबी में जितना पार्ट्स खराब था सब हम उठा के फेंक दिया, अभी सफा कर ले रहे हैं। उसके बाद हम बॉक्स पीएफ लगाएंगे जो गेट के साथ सोर्स का जो पीएफ लगा हुआ है 4.7 kA, अगर 472 और 100 वोल्ट का जो बॉक्स पीएफ है वो हम लगा लेंगे। देखिए ये बॉक्स पीएफ है, एकदम नया दीजिए तब दिक्कत नहीं होगा। क्या है ना पीएफ जो होता है ओपन भी होता है शॉर्ट भी होता है, अगर शॉर्ट हो गया तो हम लोग का मीटर में शो हो जाएगा, लेकिन जो ओपन है वो थोड़ा चेक करने का दिक्कत है,
तो इसलिए हम लोग क्या डाइवर्स सेक्शन में जब भी काम करेगा जितना रेजिस्टेंस है हम चेक कर लेगा और जितना पीएफ है उसको हम उठा के नया लगा देगा, तो अब दिक्कत आने का चांस बहुत कम हो जाएगा। ये बॉक्स भी हम लगा दिया। देखिए आईजीबीटी जो आप लोग चेंज करेंगे उस टाइम जरूर देख लेंगे, जो आईजीबीटी हम लोग चेंज कर रहे हैं उसका बायसिंग अंदर का जो सर्किट है ना वो सेम है कि नहीं। अगर सेम नहीं होगा तो ऐसे आईजीबीटी लगाने से ब्लास्ट हो सकता है। चार टो बॉक्स पी एफ लगा लिया जो 4.7 के लगा दिया, अभी ये नया हो गया। अभी हम दोनों एलईडी लगा देगा, जो आप एलईडी लगा गए जो सर्किट में जिस टाइप एनोड कैथोड है वो देख के जरूर लगाइए, अगर उल्टा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। जिस साइड एनोड है जिस साइड कैथोड है वो देख के लगाइए। हम इसलिए पूरा सर्किट दे दिया इसके अंदर, अगर जिसका सर्किट चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए, ये सर्किट मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों का पसंद आया तो ज़रूर ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोनों एलईडी भी लगा दिया। पूरा के पूरा फेस करके लगा दिया। रेजिस्टेंस देखिए ठीक है, इसको भी चेक कीजिए। ये क्या है, वो सोर्स के साथ डेट जो कैबलिंग किया है वो एक पीएफ के साथ रेजिस्टेंस है 8। देखिए अभी लाइन दे दिया, इसमें लाइन चलाया, दो एलईडी डिस्प्ले हो रहा है। अभी हम लोग सिग्नल देख लेंगे, पहले मैनुअल मीटर से देख लेंगे। तो
देखिए सिग्नल आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। देखिए अगर ये सिग्नल मापने के टाइम अगर एक तरफ ऐसे आया 4 वोल्ट 5 वोल्ट और दो, अभी हम लोग IGBT लगा दे रहे हैं। IGBT लगाने के टाइम शोल्डर ठीक से कीजिए, नहीं तो क्या होता है, देखिए इधर से दे दिया, अगर शोल्डर उस तरफ कोई कनेक्शन में कोई गड़बड़ी हो जाएगा तो IGBT बास्ट हो सकता है। तो IGBT का काम कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला नहीं है, लेकिन काम करने का टाइम ठीक से ध्यान देना चाहिए, नहीं तो बास्ट हो सकता है। क्या एक IGBT वो ये जो सीरीज में लाइन हुआ है ना, इसीलिए ये दिक्कत होता है। तो हम अभी IGBT लगा दिया, IGBT भी लगा देंगे। एकदम टाइट करके लगा दिया, बढ़िया से ठोस शोल्डर कर दिया। अगर ये वीडियो आप लोग का पसंद आया तो ज़रूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी हम डायरेक्ट का जो हीट सिंक है वो लगा देंगे, कंप्लीट हो गया, उसके बाद सीरीज लाइन देके हम लोग देख लेंगे क्या हुआ नहीं हुआ। देखिए ऐसे पूरा सर्किट चेक करने के बाद आप लोग अगर ड्राइवर रिपेयरिंग किया तो IGBT ब्लास्ट नहीं हो सकता है। तो सर्किट पूरा चेक कीजिए, कोई बात नहीं है। हम लोग का पहले ऐसे होते थे, अभी हम लोग देख लिया जो कहाँ मेरा प्रॉब्लम था। वो जो PM है ना, PM का हम लोग ध्यान बहुत ज़्यादा नहीं देते, लेकिन वो PM में बहुत दिक्कत होता है। वो PM ब्लास्ट होने का एक नंबर कारण हुआ। I'm waiting till it's too late. No rest for lovers.
तो अभी हम लोग लाइन दे दिया, देखिए वोल्टेज माप के देख लेंगे। देखिए वो IGBT जो LED है वो ग्लो हो रहा है, इसका मतलब IGBT सही तरह के सिग्नल आ रहा है। अभी देखिए हम लोग मीटर देखे वोल्टेज माप के दिखा देंगे आप लोगों को ये ठीक है कि नहीं। ठीक है 66.3, ऐसे वोल्टेज आने से कोई दिक्कत नहीं है।